एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, हो गई है नए दिन की शुरुआत और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज करने वाले हैं हम अपने आंगन की सफाई। तो चलिए, आप भी बने रहेगा मेरे इस ब्लॉग में और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को मैं हर रोज़ की तरह यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। यहाँ का मौसम तो हर रोज़ ही सुहाना, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मम्मी बना रही है सब्जी, वो भी चूल्हे में एकदम पहाड़ी स्टाइल में। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मम्मी किस तरह से बना रही है सब्जी। और इसमें मम्मी ने अभी डाल दिया है प्याज, तो इसके बाद डालेगी ज़ीरा। पहले डाल दी डाल रहे हैं पहले। मम्मी कह रही है पहले जीरा जल जाता है तो इसलिए मैं बाद में डालती हूँ। तो मम्मी इसको अपने स्टाइल से बना रही है, वैसे पहाड़ी स्टाइल से। और इसमें मम्मी ने ये जो है, इसमें मम्मी ने आटा, मसाले और मूली, वो भी सिलबट्टे में। मम्मी कह रही है तेरे सब्जी से ये अच्छा होगा, पर मेरी बनाई हुई। तो इसको कहते हैं हम मूली का थेचुआ। तो ये बन गई है हमारी मूली का थेचुआ और अभी ये पका नहीं है, तो पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अभी आई हूँ मैं धनिया के खेत में धनिया तोड़ने के लिए। इसमें बोया था हमने धनिया, तो यहाँ पे सुअर भी आया, वो खोद के चले गया। और इधर भी ये सब धनिये का खेत है, भैंस ने तो इसको चर लिया है, लेकिन कहीं कहीं पे इसके कुछ पौधे हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे दो पेड़ मिल गए हैं मुझे ये धनिये के, बहुत सारे पेड़ हैं वैसे इस तरह के। मम्मी तो कह रही थी इसको जड़ से ही उखाड़ के ले आना, क्योंकि इसमें और गाय बच्चियाँ चरेंगी तो ये वो सारा जितना भी हो रहा है उसको खा जाएंगी, लेकिन मैं जड़ें नहीं उखाड़ रही हूँ। पर ऐसे ही तोड़ के ले जाते हैं, क्या पता इन पर और उग गए बाद में, गाय बच्चियों के चरने में ना आए। तो ये धनिया अभी इस खेत में बहुत है, यहाँ भी देख रहे होंगे आप छोटा छोटा। तो ये मैंने तोड़ लिया है धनिया, इतना इतने से धनिया से हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जी पक रही है, अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, और थोड़ी देर इसको और पकने देते हैं, तो उसके बाद डालेंगे इसमें धनिया। अभी हम बाहर वाले चूल्हे पे बना रहे हैं, जो अंदर रसोई वाला चूल्हा है वो तो अंदर ही है, लेकिन और ये है बाहर वाला चूल्हा। तो इसको वैसे चूल्हा नहीं कहते हैं हम लोग, इसको रॉन कहते हैं। इसमें हम पानी गर्म करने के लिए हमने इसको बाहर साइड पे बनाया है, छोटा सा होता है उसको ही चूल्हा कहते हैं। लेकिन जो ये बड़े पत्थरों वाला और बड़ा बड़ा बनाया जाता है तो इसको रॉन कहते हैं। और ये रॉन में हम आग सेकते हैं जैसे, और पानी गर्म करने के लिए साइड पे बाहर बनाया जाता है इसको। तो इसमें ही बन रही है हमारी सब्जी। और अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, तो सब्जी पूरी तरह से पक गई है। और अभी कर रहे हैं हम इस आंगन की सफाई। तो यहाँ पे ये कुछ दाल है ये उठानी है, और उधर इसकी जो जड़ें हैं वो भी उठा के फिर आंगन की लिपाई करनी है। तो चलिए पहले इसको झाड़ के साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसकी लिपाई करते हैं। तो ये है गहत की छिकल, इसमें से हमने दाल तो निकाल ली है, बस अब ये बच गया है। तो ये होती है गरम, इसको जब ठंड का मौसम बारिश होती है तो उस टाइम पे घास में मिला के गाय बच्चियों को दिया जाता है। तो मम्मी से भी पैक कर रही है कट्टी में। और इसमें रखा है मैंने अपने लिए नहाने के लिए गर्म पानी, तो तब तक मैं आंगन की लिपाई करूंगी, तो तब तक ये गर्म हो जाएगा।
तो अभी हमने आंगन की सफाई कर ली है, पूरी तरह से आंगन को झाड़ लिया है, जो आंगन में जितना भी सामान था उसको साइड कर लिया है लिपाई करने के लिए। और अब बची है आंगन की लिपाई करनी। मम्मी और पापा तो चले गए हैं खेत में, क्योंकि उनको खेत जोतना था, और अब मुझे अकेले ही करनी है आंगन की सफाई। तो चलिए मैं आंगन की सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे ये रखा है गोबर और इसमें है मिट्टी, तो फिर उसके बाद ये गोबर और मिट्टी के घोल को मिक्स करेंगे, तो उससे करेंगे ये आंगन की लिपाई। और ये बन गया है मिट्टी का घोल। तो इस तरह से मिट्टी और गोबर के घोल को बनाया जाता है। और यहाँ पे जो ये किनारे किनारे हैं, तो इनकी मैं हाथ से लिपाई कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे झाड़ू से लिपूंगी तो ये पूरा इधर लग सकता है। तो ये जितने भी किनारे हैं इनको मैं हाथ से लिपाई कर लूँगी, और पूरे आंगन की लिपाई फिर झाड़ू से करेंगे। इस तरह से इसको सेफ्टी से लिपना पड़ेगा, वरना ये पूरा गोबर इधर लग सकता है झाड़ू से लिपने में। और यहाँ पे मेरी पुचकू बिल्ली भी आ गई है। मुनी, और बिल्ली भी देख रही है मुझे यहाँ से लिपाई करते हुए। और यहाँ पे मैं अपने हाथ से ऐसे लिपाई कर रही हूँ, तो बिल्ली का मन हो रहा है मेरे हाथों से खेलने का। उसे लग रहा है कि ये मेरे से खेल लग रही है। और मैंने ये साइड साइड लिप लिया है, और बाकी पूरे आंगन की लिपाई हम करेंगे झाड़ू से। तो चले झाड़ू से किस प्रकार हम आंगन की लिपाई करते हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ये बना रखा है झाड़ू, तो इस झाड़ू से हम इस आंगन की लिपाई करेंगे। और आंगन की लिपाई करने में तो पानी की आवश्यकता बहुत ही पड़ जाती है, तो पानी भी अभी टूट गया है, पानी भी नहीं आ रहा है। और इस टप में थोड़ा पानी है, तो मैं पानी को डिब्बों में भर के ले जा रही हूँ ऊपर। तो लीपने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आंगन, और अब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद और अच्छा लगेगा। तो अब जाके नहाया मैंने, और अब धूप भी चले गई है बाहर, ठंडा भी लगने लग गया है, तो जलानी पड़ती है अब आग। तो बाहर तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, धूप चली गई है आंगन से। और मम्मी अभी गई है कपड़े धोने के लिए, मम्मी भी आ जाएगी उसके बाद। तो मैंने चाय बना ली है, और नाश्ते में बनाई है मैंने मैक्रोनी, और उसके बाद जब मम्मी आ जाएगी तो चाय और मैक्रोनी खाएंगे। तो फिर शाम हो जाती है, देखते हैं फिर शाम का बाकी हम क्या काम करते हैं। तो अभी मम्मी भी आ गई है, और हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है, और चाय नाश्ते के इतने बर्तन हो गए हैं, तो इनको धोने के लिए मैं रख रही हूँ इसमें
पानी, और जब तक ये पानी गर्म होता है तो तब तक मैं पानी भी भर लूँगी अंदर के लिए। और अभी पानी थोड़ा आ गया है, वरना मुझे धारे पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जलाई है मम्मी ने अंदर वाले चूल्हे पे इस पानी के बर्तन को चढ़ा दिया है। तो चलिए मैं तब तक रात के खाने के लिए पानी भर लेती हूँ, और उसके बाद शाम हो जाती है। तो ये है मेरा भाई छोटा वाला, और हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, बाहर अंधेरा हो गया है, और उसके बाद अभी तैयारी करते हैं शाम के खाने की। तो चलिए थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे आई है रेनू भी, यानी मेरी चाचा की लड़की।